वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। ये इस चैनल की सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम लोगों की लाइब्रेरी चेंज हो चुकी है, तो अब हम लोगों की नई लाइब्रेरी कैसी है। ऑल्सो हम लोगों के जो नए क्लासरूम्स हैं वो कैसे हैं। जिम एरिया भी इस वीडियो में हमने कवर किया है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि जिम एरिया भी अगली वीडियो में आने वाला है। लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिखाया वो सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था, तो आई होप कि इस वीडियो पर आप उससे ज़्यादा ही दिखाओगे। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये जो बेंच है, ये डीएनएल की सबसे फेमस बेंच है, इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं हो सका तो कोई अगली वीडियो में कवर करूँगा। एंड प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इस वीडियो के आपके लिए एक मैसेज है, वो मैसेज आपको याद रखना चाहिए बस। इस लाइब्रेरी का साइज देखिए, ये एक रूम है, यहाँ पे वो दूसरा रूम है, और वहाँ पे स्ट्रेट जाके तीसरा रूम है, जो कि इन दोनों को रूम को कंबाइन कर देंगे इतना बड़ा है। तो अब हम लोगों की इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, और यहाँ पे बुक्स कलेक्शन आप देख सकते हैं, नई बुक्स आई भी हैं, बहुत सारी नॉवेल्स आई हैं आज ही, तो ये नॉवेल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। और ऊपर आप ये कप देख सकते हैं, ये सुंदर सुंदर से कप, ये सारे कप हैं हमारे कॉलेज के जितने भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होते हैं उन सारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ये कप हैं। अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स फेस्ट ख़त्म हुआ है हम लोगों का, जो था प्रद्युत, और प्रद्युत में बहुत सारी टीम्स थी जिन लोगों को ये कप्स मिले हैं, और जो फोर्थ ईयर है उसे कॉलेज कप मिला। सो होपफुली हमारे बैच को भी कभी मिले। तो अभी हम हैं BLLB फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन ए में। तो हमारे ये जो क्लासरूम है ये स्मार्ट क्लासरूम है, और जो पहले सेमेस्टर में आते हैं उन्हें ये वाला क्लासरूम मिलता है, जो कि दो सेमेस्टर तक रहता है। फिर जब हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर चालू होता है उसके बाद हम लोगों की क्लासेस शिफ्ट हो जाती हैं। तो ऐसा है, पूरा का पूरा क्लासरूम एसी है और फैंस भी हैं और प्रोजेक्टर है। जब PPT हम लोगों को दिखानी होती है टीचर्स को तो वो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। और ये है, ये इसका एंट्रेंस है, इसके जस्ट सामने फैकल्टी रूम है और एकेडमिक ब्लॉक है सारा का सारा। यहाँ से इसी के जस्ट पास जो नेक्स्ट वाला क्लासरूम है वो है BLLB फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन बी, वहाँ पे सेक्शन बी वाले बच्चे बैठते हैं। अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड में। ग्राउंड की अब देखें तो कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है, मतलब लेवल हो चुका है पूरा ग्राउंड। पहले यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिट्टी के बम्प्स टाइप्स के थे, बट अब उन्हें बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है, तो अब ग्राउंड बिल्कुल ठीक है रेडी खेलने के लिए। और हमारा नया वॉलीबॉल कोर्ट भी बना है और बास्केटबॉल कोर्ट का कंस्ट्रक्शन चालू है, 70% अप्रोक्स हो चुका है उसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन वॉलीबॉल कोर्ट बिल्कुल रेडी है। हम लोग यहाँ पे मैच क्या भी था प्रद्युत में, और फुटबॉल फील्ड भी पूरी तरीके से रेडी है। तो जो वॉलीबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट के जस्ट पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो जो स्टेयर्स हैं उनके साइड में हमारी है जिम, जो कि है क्लास जिम, जो पहले हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या ही बना रहे हैं, बट जब रेडी हुई तब बहुत ही सुंदर जिम है अंदर से। तो जो हम लोगों का वॉलीबॉल कोर्ट है उसके जस्ट पीछे हम लोगों की जिम बनी हुई है। जिम का रास्ता रमन भवन से स्ट्रेट है, तो जिम पूरी ग्लास की बनी हुई है, और अभी अभी इसमें नए इक्विपमेंट्स भी आए हैं, तो अब हम जाके देखते हैं जिम की क्या है। अरे भाई, जिम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब लेग प्रेस मशीन भी आ चुकी है, डेडलिफ्ट मशीन भी आ चुकी है, और बेंच प्रेस में नए वेट्स भी आ गए हैं, चेस्ट मशीन तक आ गई है यार। अभी तो बेंच प्रेस में जो हमारा अभय है, अभय का ही रिकॉर्ड है 120 kg, और डेडलिफ्ट में 190 उठा लेता है अभय। अब देखते हैं उसको बड़ी खुशी होने वाली है। यहाँ पे हम लोग के सारे वेट्स हैं, सारे वेट बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब ऐसे इन्वेस्ट हुआ अच्छे से पैसा। नाइस।
अभी मैं हूँ फूड फॉर सोल पे, ये हमारे DNLU कैंपस की कैंटीन है। यहाँ पे सारी चीज़ अफोर्डेबल होती हैं, अच्छी है, मतलब हम लोगों के लिए हैंग आउट प्लेस है ये। तो क्लासेस के बाद जब भी हम लोगों को फ्री टाइम मिलता है या फिर क्लास में ब्रेक होता है तो हम लोग यहीं आके हैंग आउट करते हैं। तो ये है एक और चीज़ है जो हमारे कॉलेज को बहुत सुंदर बनाती है, वो है यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की ग्रीनरी। ये कॉलेज कैंटोनमेंट एरिया में है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब यहाँ के एंट्रेंस से लेके यहाँ के ग्राउंड से लेके यहाँ के एग्जिट तक सब जगह पेड़ ही पेड़ हैं।